हाय फ्रेंड्स, मैं अनिमेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आप ही के फेवरेट शो में। तो चलिए दोस्तों, हम आज क्रिएट करते हैं नंबर 6 से कुछ न्यू आर्टवर्क। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो बच्चों, पेज पे हम 6 लिखेंगे। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहां से हम ऐसे करके यहां तक कर्व लाइन करेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं देखिए, ऐसे करेंगे एक बार और फिर बिल्कुल यहां से इसके बराबर ऐसे। अब ये जो दो पॉइंट है इनको हम जोड़ देंगे। आप लोग भी करते रहिए मेरे साथ साथ, ठीक है। गुड, यहां पे हम दो लाइंस लेंगे, ठीक है, और यहां पे लगा देते दो सर्कल और इस सर्कल के अंदर भी हम एक बार और एक एक सर्कल ऐड करेंगे। और यहां पे एक स्माइली लगा देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया दोस्तों, ये बन गया एक स्नेल। तो चलिए इसको हम स्केच पेन से आउटलाइनिंग करते हैं। तो उठा लीजिए अपना अपना स्केच पेन। और यहाँ पे एक हम ऐसे लाइन आगे से और पीछे से ड्राइंग करेंगे और कुछ ऐसे ग्रास वगैरह बना देंगे ताकि एक नेचुरल लुक आ जाए। अब बताइए बच्चों, आगे हम क्या करने वाले हैं? आगे हम जो पेंसिल के लाइंस दिख रहे हैं उसको हम रब करेंगे, ठीक है। तो अपना अपना इरेजर उठा लीजिए और हल्के हाथों से रब कीजिए। तो आइए बच्चों, देखते हैं ये स्नेल सामने से कैसा लगता है। तो देखा बच्चों, हमने नंबर 6 से कैसे एक प्यारा सा स्नेल बना लिया है। तो चलिए बच्चों, हम नंबर 6 से एक और आर्टवर्क क्रिएट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो बच्चों, पेज पे हम 6 लिखेंगे। आप लोग भी मेरे साथ साथ कीजिए। अब यहां से हम इसको अंदर की तरफ ऐसे ले लेंगे, आगे देखिए क्या होता है। और यहां पे ऐसे 1, 2 और 3 तीन कर्व लाइन से इस लाइन तक जोड़ देंगे और इसको फिर से हम रिपीट करेंगे 1, 2 एंड 3। और एक बार फिर से कर लेते हैं 1, 2, 3। अब यहां से हम एक लाइन लेंगे, ठीक है, इधर की तरफ हल्की सी स्लांट और कर्व भी जा सकता है हल्का। अगर आप चाहो तो डॉटेड लाइन भी यूज कर सकते हो। और यहां से फिर बैक करके यहां तक। ओके, तो चलिए इस लाइन को हम सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को पता चल रहा है कि ये क्या बनने वाला है? नहीं, अब भी पता चल जाएगा। चलिए मेरे साथ साथ आप कंटिन्यू कीजिए। यहां से ऐसे करके
एक और यहाँ पे और एक बार, फिर क्या करेंगे इस तरीके से कुछ लाइंस ऐड कर देंगे और यहाँ पे लगा देंगे एक क्यूट सा राउंड। ठीक है, तो देखा बच्चों कैसे ये एक बर्ड का फॉर्म ले लिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और स्केच पेन से लाइनिंग करते हैं। तो उठा लीजिए अपना अपना स्केच पेन। तो बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम जो पेंसिल लाइन से उसको हल्के हाथ से रब करेंगे। तो चलिए अपना अपना इरेजर ले लीजिए और रब करिए। ओके, तो अब हमारा बर्ड बनके तैयार है। चलिए सामने से इसका एक बार व्यू लेते हैं। तो देखा बच्चों नंबर 6 से हमने आज क्या क्या सीखा है। हमने सीखा है स्नेल और बर्ड। आई होप कि नंबर 6 का आर्टवर्क आप लोगों ने बहुत एंजॉय किए होंगे, है ना। तो चलिए अगले एपिसोड में नंबर 6 के साथ हम क्रिएट करेंगे कुछ नए आर्टवर्क। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और सबसे पहले हमारे वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें।